Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, chapter hamara chal raha hai body movements, chapter number 8, jisme humne baat kari pichle lecture mein earthworms ke bare mein. Earthworms jo hai wo movement kaise karte hain. To aaj hum baat karenge snails aur cockroach ke bare mein. So, snails aur cockroach ke bare mein that wo jo hai wo movement kaise karte hain. To pehle hum snails ke bare mein jante hain. Very slow moving animal. Snail carries shell, rounded structure on its back. Students, जो snail है, ये काफी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, काफी आहिस्ता आहिस्ता, काफी slow होता है इसकी movement जो होती है ना, काफी slow है, काफी slow मतलब movement करते हैं, मतलब काफी आहिस्ता आहिस्ता चल movement करती है, ठीक है? Snail के back पे क्या होता है? एक rounded structure, जिसको shell, वो shell होता है इसके back पे होता है, जो कि rounded structure का होता है, ठीक है? The shell does not help in moving from place to place. Shell जो है, जो मैंने आपको बोला, इसके back पे जो होता है, rounded structure जो होता है, वो इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह में मतलब चल जाने में help नहीं करता, ठीक है ना? जो shell है, वो इसको help नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह जाने में. Even ये जब ये movement करती है, इसको इस shell को अपने साथ लेना पड़ता है, ठीक है ना? घसीटना पड़ता है. Snail has only one foot. Snail का जो है बस एक पैर होता है. Foot of snail is large, flat and disc shaped, made of strong muscles. जो snail का जो एक पैर होता है, ये किसका बना होता है? Sorry, ये कितना, ये बड़ा होता है, flat होता है और disc shape होता है, ठीक है ना? जो कि किसका? Strong muscles, काफी मजबूत muscles का बना होता है, ठीक है? Snail moves with the help of his foot. जब हमने अभी बात करी थी, snail को जो है ये shell help नहीं करता movement करने में, बल्कि इसका जो foot है, जो इसका पैर है, जो कि इसका एक ही पैर होता है, जो कि strong muscles का बना होता है, यही एक पैर इसको क्या करता है? Movement में help करता है एक जगह से दूसरी जगह तक. ठीक है students, ये थी snail के बारे में बात. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉकरोच के बारे में. कॉकरोच कैन वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन एयर. स्टूडेंट्स, आपने तो कॉकरोच हर किसी के ने देखा होगा, है कि नहीं? कॉकरोच जो होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो चल भी सकते हैं, क्लाइंब भी मतलब दीवार पे चढ़ भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, ठीक है ना? कॉकरोच हैव थ्री पेयर ऑफ लेग्स, दीज हेल्प इन वॉकिंग. कॉकरोच जो है स्टूडेंट्स, इसके पास तीन पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, जो कि इसको चलने में हेल्प करती हैं, ठीक है? देयर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट. क्या होते हैं, इसके पास दो पेयर्स ऑफ विंग्स होती है, विंग्स होती हैं इसकी, दो पेयर्स, टू पेयर्स की विंग्स होती हैं, जो कि इसके ब्रेस्ट के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है? कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स. कॉकरोच के पास डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट मसल्स होती हैं. मसल्स नहीं है, द लेग्स, मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग. मसल्स जो है, जो उसके टांगों के नज़दीक होती है मसल्स, वो इसको चलने में मतलब टांगों की मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ताकि वो चल पाए, ठीक है ना? अब जो ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई. अब जो ब्रेस्ट मसल्स है, वो उसकी विंग्स को हेल्प करती है, वो उसको विंग्स को मूव करती है, ताकि कॉकरोच जो है वो फ्लाई कर पाए, मतलब उड़ पाए, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ गए ना आप कॉकरोच और स्नेल्स के बारे में? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और जानेंगे इस चैप्टर के रिलेटेड, ठीक है ना? तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.